नगर विकास न्यास के अधिकारियों की लचर कार्यशैली के चलते रत्नासागर बांध का अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया है। यूआईटी की अनदेखी का आलम यह है कि पहले बांध की जमीन पर प्लॉटिंग हो गई, अब भूखंड धारक बचे हुए नाले पर कब्जा कर रहे हैं, जिससे नाले का अस्तित्व भी नहीं बचा है। कुछ प्रभावशाली लोग मोटी रकम लेकर नाले पर कब्जा कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि पिछले वर्ष बरसात में बांध की जमीन में बने एक मकान में पानी इतना भर गया था कि एक मकान ही ढह गया। ऐसे में आगामी वर्षा ऋतु में नालों को बंद कर देने से व्यापक जनहानि हो सकती है। वो अभी कोई पता नहीं कि नीम खोद दी आके वरिष्ठ प्रशासन दे आके क्या हो रहा है, नाले की पैमाइश की जाए। ये नाले पे जो जमीन, ये प्लॉट जो बनाए गए हैं, ये किसके द्वारा बेचे गए हैं और किसने बनाए हैं? भाई ये जमीन थी मेजर साहब की, और फिर प्लॉटिंग कौन कौन डीलर, शिवम जी थे, विक्रम भी था, हन्नी और कौन कौन थे, भुट्टा भी था और कौन था। तो ये प्लॉट जो है ये नाले की जमीन पे बेचे हैं? नाले की जमीन बेचे गए हैं। अवैध अवैध मकान बना रहे हैं। कहाँ से नाला आता है? डूंगरवा से नाला आ रहा है। कहाँ जा रहा है? रत्नागर बंद में। कितने फुट का नाला चलता है आगे से? 10 फुट को नाला, हर के 40 फुट को रोड, 40 फुट का 70 फुट।